हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और मेरे उन सभी टीचर्स को, अध्यापक गणों को, गुरुजियों को मैं टीचर्स डे की शुभकामनाएं देती हूं। उन सभी महान व्यक्तित्व को जो मेरी लाइफ में आए, मेरी लाइफ के अंधेरे को मिटाया, जिसमें मेरे सहपाठी भी हो सकते हैं और मेरे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मेरे माता पिता भी हैं, मेरी सिस्टर्स भी हैं और साथ में मेरे कलीग्स भी हैं और मेरे फ्रेंड्स भी हैं। तो आप सभी को तहे दिल से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी रिलेटेड टर्म्स। हमारी पर्सनैलिटी ही चल रही है तो हम कुछ ही दिनों में पर्सनैलिटी को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही नया है, बहुत ही अच्छा है और कॉन्सेप्ट भी उसका बहुत ही अच्छा है। अब आप ये देखिए, अपनी जर्नल लाइफ में आप जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनमें से कुछ तो हैं बिल्कुल दब्बू, जो बिल्कुल नहीं बोलते, और एक हैं जो बहुत बातूनी हैं, जो बहुत बोलते हैं, जिनको बाहर आना जाना पसंद है, जिनको सोशल एरिया पसंद है वो बाहर जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाते हैं, जिनको लीडरशिप करना पसंद है। कुछ हैं शांत रहते हैं, दब्बू किस्म के रहते हैं, अपनी जो इनर बात है वो उसको ही वो अच्छे से नहीं बता पाते हैं। तो ये सब क्या है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई व्यक्ति ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई बाहर जाना पसंद नहीं करता, कोई घर में ही क्यों रहता है। तो हम क्या करेंगे, आज हमारी पर्सनैलिटी का बेस क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं बात कर रही हूँ टेम्परामेंट की। टेम्परामेंट क्या है, आपकी पर्सनैलिटी का एक बेस है। जैसे आप जनरल लैंग्वेज में भी इसको लगा सकते हैं कि जो आपका हाउस है, जब आप अपना घर बनाते हैं तो उसका बेस क्या होता है, उसके बेस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसकी नींव आपको डालनी पड़ती है। तो ऐसे ही जो हमारी पर्सनैलिटी है उसका बेस क्या है, उसका बेस भी टेम्परामेंट है कि हमारी पर्सनैलिटी की नींव क्या है, टेम्परामेंट। अब देखिए, कोई जैसे बचपन से ही दब्बू होता है, कोई बचपन से ही शरारती होता है, और जो उसके चाइल्डहुड की एज होती है हम वहाँ से ही बता देते हैं कि ये बड़ा ही होनहार बच्चा है, बड़ा होकर ही लीडर भी बन सकता है। और कई ऐसे होते हैं जो अपनी बात को ही नहीं बोल पाते, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि शायद बड़ा होकर इतना अच्छा लीडर ना बने। तो क्या है आपका बेसिकली टेम्परामेंट, टेम्परामेंट आपका बायोलॉजिकल होता है, इनेट होता है, और आपका वे ऑफ रिएक्टिंग है कि आप लोगों ने किस तरीके से उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस बात को बोला है। तो ऐसे ही हमारा टेम्परामेंट है कि हम पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं। तो ये क्या है, हमारा इनेट होता है, जो हमारी लर्निंग है, सिस्टम ऑफ वैल्यूज़ हैं, एटीट्यूड्स हैं, ये इन सब से अलग होता है, इन सब का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मेनली हमने देखा है कि टेम्परामेंट हमारा इनबोर्न है, इनेट टेंडेंसी है। और हाँ, मैं आपको लास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एस्टेट और आपके नेट के लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको कंप्लीट देखें वीडियो को, तो उसमें आपको क्लियर बता दिया जाएगा। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया है इंट्रोवर्जन क्या है, एक्सट्रोवर्जन क्या है, जो दब्बू किस्म के होते हैं, कुछ चालाक होते हैं, कुछ बातूनी होते हैं, कुछ अपनी बात को ऑन द स्पॉट बोल सकते हैं, ये क्या है, आपका टेम्परामेंट ही है। तो क्लियर है, अब आप लोग अपने बारे में भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों का टेम्परामेंट क्या है, कि आप इंट्रोवर्जन हो या फिर आप एक्सट्रोवर्जन हो। बेसिकली हमारा इंट्रोवर्जन क्या होता है, जो चुप रहना पसंद करता है, जो बाहर जाना पसंद नहीं करता, जिसको काफ़ी चहल पहल पसंद नहीं है, ये अपने आप तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं। लेकिन इंट्रोवर्जन क्या, एक्सट्रोवर्जन क्या है, एक्सट्रोवर्जन बिल्कुल इनके ऑपोजिट होते हैं, इनको है दोस्त बनाने पसंद हैं, पार्टियां इनको पसंद हैं, इनको बाहर जाना पसंद है, थ्रिलिंग काम इनको पसंद होते हैं। तो ये क्या है, आपका बेसिकली टेम्परामेंट ही है। तो शायद आप लोगों को समझ आया होगा कि टेम्परामेंट हम क्या बोलते हैं। तो अब आप अपने घर में जो आपके मेम्बर्स हैं या फिर आपके जो क्लीग्स हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में आप ये चीज़ बता सकते हैं कि उन लोगों का टेम्परामेंट क्या है। और बेसिकली क्या आपका नेचुरल है, इंस्टिंक्टिव है, कि आपका जब जन्म होता है तो हम सब क्या होते हैं, टेम्परामेंट के साथ ही जन्म लेते हैं। टेम्परामेंट हमारे साथ ही हमारे साथ उत्पन्न होता है, और बेसिकली ये रिस्पॉन्ड टू ए सिचुएशन है। अब बात करते हैं कि टेम्परामेंट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है।
बेसिकली हिपोक्रेट्स ने इसको डिवाइड किया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारे ह्यूमन बींग्स की स्टडी की थी और उनको देखकर इन्होंने क्या किया था, टेम्परामेंट को डिवाइड किया था। और इन्होंने सिर्फ चार तरह के टेम्परामेंट ही बताए थे कि बेसिकली हमारी सोसाइटी में चार तरह के टेम्परामेंट पाए जाते हैं, सैंग्विन टेम्परामेंट, मेलनकोनिक टेम्परामेंट, कैलोरिक टेम्परामेंट और फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट। तो ये क्या है, एक तरह की पर्सनैलिटी की टाइप भी हैं। और इनसे हमें क्या पता चलता है कि हमारे सामने जो बंदा बैठा है उसकी पर्सनैलिटी को हम जज कर सकते हैं। तो बिल्कुल ही आसान टॉपिक है। तो हम जो ये टाइप्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। और जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक अच्छा सा पॉइंट बताऊंगी, इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली हर बार जो आपका एस्टेट है और जो आपका नेट है वहाँ पर टेम्परामेंट के बारे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परामेंट का नेचर क्या है, ये बायोलॉजिकल है या साइकोलॉजिकल है। तो क्लियर है आपको यहाँ से, टेम्परामेंट हमारा बायोलॉजिकल होता है, ये साइकोलॉजिकल नहीं होता। इसको लर्न नहीं करते हम, ये इनबोर्न कैपेसिटी है हमारी, जो हम वे ऑफ रिएक्टिंग है। अब आपको टेम्परामेंट के बारे में सिर्फ दो बातें याद रखनी है कि ये बायोलॉजिकल है और सेकंड क्या है आपका वे ऑफ रिएक्टिंग, कि आप पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करेंगे किसी इंडिविजुअल के सामने या किसी ऑब्जेक्ट के सामने या फिर अपने कलीग्स के सामने। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, टेम्परामेंट समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, इसका कंटेंट पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने 4 टेम्परामेंट के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।